दोस्तों यामी गौतम आए दिन अपने हॉट ड्रेसेस तो कभी फोटो शूट तो वहीं कभी अपने ऐसे मोमेंट्स को लेकर लाइमलाइट बटोरती ही रहती हैं। एक्ट्रेस कहीं पर भी ऑन स्पॉट अपनी ड्रेसेस को सेट करती हुई दिखाई देती हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको यामी गौतम की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही सच बताने वाले हैं, तो इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। दोस्तों मोनिचा ऐप पे लॉन्च के दौरान यामी गौतम ने सिंपल ड्रेस कैरी किया था, लेकिन ये सिंपल ड्रेस बोल्डनेस के मामले में सबसे आगे था। जहां इस इवेंट में यामी गौतम अपनी खूबसूरत अदाएं दिखा रही थी, तो वहीं इस ड्रेस के वजह से थोड़ी अनकंफर्टेबल भी दिखी और कई बार अपने ड्रेस को ठीक करती हुई नजर आईं। एक बार बैठते समय इनका ड्रेस नीचे को खिसक गया था, जिसे यामी गौतम ने खूब अच्छे से सेट किया। वैसे इस ड्रेस में भी यामी गौतम का लुक गॉर्जियस था। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी यामी गौतम बहुत ज्यादा सुर्खियों में आई थी, जब लैक्मे फैशन वीक के दौरान एक्ट्रेस का बैलेंस लड़खड़ा गया था और यामी गौतम गिरते गिरते बची। एक्ट्रेस ने खुद को गिरने से भी बचा लिया था और अच्छे से रैंप वॉक भी किया। दोस्तों बॉलीवुड में ऐसे हादसा होते ही रहते हैं, लेकिन यामी गौतम के साथ कुछ ज्यादा ही होते हैं। यामी गौतम ने बॉम्बे टाइम फैशन वीक के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहना था और बहुत ही अच्छे से रैंप वॉक भी की, और इस दौरान एक्ट्रेस का लुक भी कमाल का था। लेकिन रैंप वॉक के बाद पापराजी से बात करने के लिए एंट्री लेते ही अपने ड्रेस के साथ छेड़छाड़ करती हुई दिखाई दी, और एक बार नहीं कई बार ऐसा करती हुई नजर आई। एक बार तो इनकी ड्रेस काफी ज्यादा नीचे खिसक गई थी, जिसे एक्ट्रेस ने खींच ऊपर किया, और सारे इवेंट में यामी गौतम इन्हीं कामों में लगी रही। कुछ ऐसा ही ब्लैक कलर का स्ट्रैपलेस ड्रेस यामी गौतम ने जी सिने अवार्ड्स के लिए पहना था। इस ड्रेस के साथ भी एक्ट्रेस फाइट करती हुई कई बार देखी गई और कई बार इसे खींच कर ऊपर करती हुई भी दिखाई दी। दोस्तों यामी गौतम ने बदलापुर मूवी से खूब नाम बनाया। तो दोस्तों आपको यामी गौतम के बारे में क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।